मेरे भाई बहन, हम भारतीय लोग आशीर्वाद के मामले में बहुत सावधान रहते हैं, आशीर्वाद लेने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। और ये ही अपनी उपलब्धि है कि इसी के कारण आज तक हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे पास आशीर्वाद की पूंजी है। परदेश में भी ब्लेसिंग बोलते हैं, कोई गॉड ब्लेस यू या ऐसे कुछ वो, कि भाई आपको जो बड़े होते हैं उनको कहते हैं आप हमारे लिए ब्लेसिंग करना, वो करना, कौन करे कि नहीं टाइम पड़ी करना नहीं, या तो जैसे ही आप झुके तुरंत शुरू हाथों हाथ तुरंत दान मां कल्याण। आप जब बड़ों के चरण छूते हैं, अभी हम एक बार रेलगाड़ी में आ रहे थे कहीं से, तो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बैठे थे जो बहुत बड़ी पढ़ाई किए हुए थे, साइंटिस्ट बैठे थे। तो हम लोगों की वो हम माला ऐसे ही जप रहे थे, खाली टाइम था तो ऐसे ही वो कर रहे थे, तो देख करके उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये कर रहे हैं। फिर ऐसे चर्चा में उन्होंने बताया कि मैं ये काम करता हूँ। वो क्या काम करते थे? वो काम करते थे कि हमारी जो भारतीय प्रणाम की पद्धति है उसके पीछे क्या विज्ञान है, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जापान से एक ऐसी मशीन लेके आए हैं जिस मशीन में साफ साफ नजर आता है कि जब आप किसी बड़ों के, गुरुजनों के या जो भी आपके बड़े हैं उनके पांव के अंगूठे को हाथ लगाते हैं, तो वो एक जापान की मशीन है, उस मशीन में बराबर बकायदा नजर आता है कि उनके पांव में से कुछ किरणें निकल रही हैं और वो आपके हाथों के रास्ते अंदर जा रहे हैं। वो उन्होंने मुझे बताया, जापान से वो मशीन लेके आए हैं और उन्होंने बताया कि उसमें साफ साफ नजर आता है कि आपने जैसे ही उनके पांव को हाथ लगाया और वो उसमें से वो किरणें आपके हाथ में, आपके अंदर जा रही है, ऐसी उसको उन्होंने मुझे बताया। तो वो ऐसा नहीं कि वो ब्लेसिंग करेंगे तब हमें कुछ मिलेगा, अपने यहां तो प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं, तो ब्लेसिंग करें ना करें हम तो अपने आप ही वो प्रणाम करते ही हमारे भीतर उनकी जो भी दिव्यता है वो आने लगती है। ये मैंने इससे पहले भी एक कथा में बताया, हमारे जो ये वायलिन वाले भैया, ये पहले इतना प्रणाम नहीं करते थे, अब बहुत करते जैसे इन्होंने सुना कि वो किरणें आती हैं तो रोज आ जाते किरणें लेने हालांकि हम तो कोई ऐसा भजन साधन करते नहीं जो किरणों का नया नया होता रहे, जितनी थी वो पहले से निपट चुकी है, अब तो कोरा पग है, भले कोई पकड़ो खींचो कहीं करो, पर इनको लगता नहीं कुछ आएगी। खैर, तो नारायण, आशीर्वाद लेने में हमें हमेशा आगे रहना चाहिए, आशीर्वाद लेने में हमेशा आगे रहना चाहिए। आपको पता है नवरात्रि जब आती है तो हमारे बहुत से लोग आसपास की मोहल्ले की नौ कन्याओं को बुलाते हैं और नौ कन्याओं को बुला करके बिल्कुल उनका माँ भगवती की तरह पूजन करते हैं। वो कुंवारी कन्या छोटी छोटी क्या अच्छी लगती है वो, हो उनकी माँ भी उनको तैयार करके भेजती है, बढ़िया चोटी बना के, फ्रॉक पहना के, इधर रुमाल लटक रहा है और वो आती हैं बेचारी। फिर उनके पांव धोते हैं, उन कन्याओं के पांव धोते हैं, पांव धोने के बाद उन कन्याओं के पांव धोने के बाद पांव धोने के बाद में पांव पोंछते हैं, फिर उनको उनके पांव पे तिलक लगाते हैं, फिर अलग कटोरी में कुमकुम से उनके माथे पर तिलक लगाना, उस पर चावल लगाना, उनको वो बांधना, फिर उन सबको कुछ चुनरी जैसा कुछ ओढ़ाना, उनके उनको हाथ में कुछ फूल देना, फिर उनको बिठा करके और उनको जो भी मनपसंद हो
वो खिलाना। कुछ कुछ माताएं हलवा पूड़ी खिलाती हैं। अब हलवा पूड़ी लेने छोटे छोटे चोरिया ने भावे नहीं मार रहे के खाओ 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 खाओ, पीछे पड़ जाते हैं बापड़ियाँ डूचा दे। अब उनको दो चार जगह और भी जाना रहता है, लेकिन भाई जी जाने कटे और जगह खावे नहीं खावे, मारे टू धापन जानी चाहिए। और कोई चीज़ बनाती नहीं, ज़्यादा ज़्यादा काला चीना रो साग तो सूजी का हलवा और चने की सब्जी और पूड़ी। अब छोटी छोटी बच्चियों को भावे नहीं, पर एल्ला रे उपजे खाओ खाओ फिनिश करो, नहीं छोड़ना नहीं फिनिश करो। और बेचारिया कुछ तो डर जाती है, ऐसी घबरा जाती, क्या करो। कृपानाथ ऐसे नहीं, उनको जो पसंद हो जो चीज़ वो प्रेम से खूब मस्ती से वो सरलता से खाएं। झूठा छोड़ भी दे तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, उनके पीछे नहीं लगना। उन बच्चियों की सहजता नष्ट नहीं होनी चाहिए, खावे तो ठीक न खावे तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में उनको उनको अच्छा लगे ऐसी कुछ चीज़ें देना, ऐसा करते हैं नवरात्रि में। तो उसमें बड़े बड़े भी जो हैं उन छोटी छोटी बच्चियों के पांव धोते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका पांव धो के वो जल अपने माथे पे लगाते हैं, आँखों पे लगाते हैं। क्यों भाई, वो तो छोटी छोटी हैं और आपके मोहल्ले की तो हैं, दिवाली पर यही आएंगी आपको प्रणाम करने, और आप जो है आज इनको पांव धो रहे हैं नवरात्रि में। क्यों, उन कुंवारी कन्याओं का विकार रहित जीवन है। कुंवारी कन्या जो है उसके शरीर में कोई विकार नहीं है, विकार नहीं होने से वो देवी के समान है। हम उस नवरात्रि में उस देवी तत्व को उसमें देखते हुए उससे उस तत्व का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई पिंकी से चिंकी से और जो भी कुछ नाम ऐसे होते मैं लूंगा नहीं, उनसे आशीर्वाद नहीं ले रहे, उनसे कुछ नहीं ले रहे, उनके भीतर वो जो देवीय तत्व है उसका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग ये विधि करते। बताओ कितने हम लोग ये बस यही अपने भारतीय संस्कृति है कि आशीर्वाद जहां से जैसे मिल सकता है लेने में चूकना नहीं चाहिए।